दोस्तों, अयोध्या में पुष्पक विमान के दिखाई देने के रहस्य को लेकर हमने आपको पिछली वीडियो में जानकारी दी है और आगे की जानकारी हम आज की इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अयोध्या में 10 जनवरी की रात्रि को मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश हो सकता है। पुष्पक विमान के रहस्यों को जानने के लिए सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में सारी जानकारी आपको बताएंगे। आखिर क्या है पुष्पक विमान का रहस्य, जिसे समझकर आपको यकीन होगा कि अयोध्या में विमान का प्रकट होना कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार है। रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है, जो पहले कुबेर के पास था। इसके बाद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका समेत बलपूर्वक हत्या लिया था और रावण इसी विमान के जरिए कहीं भी आता जाता था। रावण के अंत के बाद यह विमान श्री राम के पास आ गया। रावण ने इसी विमान के जरिए पंचवटी में माँ सीता का हरण किया था और उन्हें उस पर बैठाकर लंका ले गया था। ऐसा कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे तो यही लगता है कि यह विमान आज के हवाई जहाज की तरह ही था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडर्न एरोप्लेन से कहीं आगे था। रामायण के सुंदरकांड के सप्तम अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। ये अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि आकार छोटा और बड़ा किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को साथ लेकर इस विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक के अनुसार गति पकड़ता था। ये मन की गति से उड़ान भर सकता था। विमान में बैठने के लिए कई आसन बने थे। दोस्तों, अब कई हजारों सालों बाद एक बार फिर जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तब भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ एक बार फिर से अयोध्या धाम पहुंच गए हैं। वह भी अपने इसी पुष्पक विमान पर, जिसका नज़ारा वहां के मजदूर अपनी आंखों से देख चुके हैं। रामायण के प्रसंग में कहा गया है कि जब माता सीता का हरण करके रावण ले जा रहा था, तब रास्ते में जटायु ने अपनी चोंच से रावण को चोट पहुँचाई थी। उस समय रावण पुष्पक विमान में मौजूद था। इसके बाद रावण ने जटायु को लहूलुहान कर दिया था। जटायु घायल होकर जमीन पर गिर गए। जब प्रभु श्रीराम माता सीता की खोज करते हुए जंगलों से जा रहे थे, तब रास्ते में घायल जटायु से मुलाकात हुई। मरणासन पड़े जटायु प्रभु श्री राम को बताते हुए कहते हैं कि रावण सीता को लेकर किस दिशा में गए हैं। लेकिन जब साक्षात प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में अयोध्या आ चुके हैं, तो फिर उनके परम भक्त जटायु कैसे पीछे रह सकते हैं। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या की सीमा में गिद्धों का झुंड दिखाई दिया है। स्थानीय लोग इन्हें जटायु से जोड़कर देख रहे हैं। वे इसे शुभ संकेत भी मान रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि उन लोगों ने वहां करीब 20-25 सालों से गिद्ध को वहां कभी नहीं देखा, और अब जब राम मंदिर बन रहा है तो लगभग 50 की संख्या में गिद्ध आकाश में दिखाई दे रहे हैं। लोग इसे शुभ संकेत मान रहे हैं। 22 जनवरी के इस प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश विदेश के सभी लोगों को निमंत्रण दिया। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में भी कुछ विशेष लोगों को समारोह में आने का निमंत्रण दिया है। इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि नेपाल को भगवान श्री राम का ससुराल कहा गया है। क्योंकि नेपाल एक समय में जनकपुर था, जहाँ के राजा थे राजा जनक और उनकी पुत्री सीता थी, जो जनकपुर की धरती से प्रकट हुई थी। दोस्तों, इसे मिथिला भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार जब बेटी का गृह प्रवेश होता है तो मायके से कई सामग्री भिजवाई जाती है। इसी परंपरा अनुसार जब प्रभु श्री राम का गृह प्रवेश होगा, तब सीता जी की ओर से नेपाल से अयोध्या उपहार आ रहे हैं, जिसे भार यात्रा का नाम दिया गया है। भगवान श्री राम के ससुराल से 1100 थाल उपहार आने वाले हैं, जिसमें वस्त्रों के अलावा 51 प्रकार की मिठाइयाँ और चांदी के बर्तन शामिल है। दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के तरफ से भगवान राम की ससुराल नेपाल के कई गणमान्य लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। दोस्तों, हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।
साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।